पता चले मैं नीलकंठ रोड पे ढूंढ रही हूँ और मेरे सामने यही प्रकट हो गए हाथी। 7 बजे और मैं देख के हैरान रह गई। दिया ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे देव बना रखे हैं। मैंने शाम की चाय बना ली है, तो इसी शाम के साथ गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल है देव उठने का अच्छी, और मम्मी की कल, मम्मी को कल 3 साल एक हो जाएंगे। और एक बात बताऊं, डेट के हिसाब से शर्मा जी का जन्मदिन तो 29 अक्टूबर को आता है, लेकिन मम्मी हमेशा देवउठनी काची को मनाती थी कि देवउठनी काची को जन्म हुआ था उनका, तो हमेशा ये ना पैसे मांगते थे, आप लोगों को करवा चौथ पे कुछ देती हो, छोटे बच्चों को देती हो, पोते पोती को देते हो, तो और कोई पता नहीं मांगते होंगे नहीं मांगते, लेकिन ये पैसे मांगते थे कि हमें भी दिया करो, हम बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ। तो मम्मी इनको हमेशा देवउठनी का कह रही, फिर कहती थी कि मैं हमेशा देवउठनी काची को पैसे दूंगी, क्योंकि मैं उसी दिन मानती हूँ हिंदू तिथि के हिसाब से जन्म। तो आप देखिए उसी दिन मम्मी, मतलब ये कभी जन्म हुआ होगा 29 तारीख को देवउठनी काची होगी, और मम्मी सुबह 4:30 बजे मम्मी के प्राण उसी दिन निकले थे देवउठनी काची वाले दिन। कल देवउठनी काची, क्या संयोग है ना। उठनी काची है, मैंने कल बताया था, उसके बाद वीडियो नहीं बनाया, हम बाबा जी के पास चले गए थे, वहाँ से कहीं जाने का बना है प्रोग्राम, अगर भगवान की इच्छा हुई तो शायद ले जाऊंगी, और नहीं तो फिर कभी जाऊंगी अकेले, क्योंकि वो जगह ऐसी है ना, फिर वहाँ भी भीड़ हो जाएगी और फिर सब लोग जाना चाहेंगे जी, वो सिर्फ देख के आने के उस पे पर्पस पे, इसलिए मैं कैमरा भी नहीं लेके जाऊँगा। अगर आज्ञा हुई, कहीं से आज्ञा आ गई, तो फिर मैं ले जाऊँ, नहीं तो दिया से बोलूँगी घर में देव भी बनाने आज, और क्या कहते हैं पूजा शाम को आके मैं करूँगी, तो दिया पीछे से बना देगी, फिर वो उसको ड्राइंग अच्छी है, बच्चे बना देते हैं। मैं बाबा जी के यहाँ गई, खाना बनाया था, भोजन बना के पंडित जी को खिलाया, उधर वहीं पे आगे थे, और फिर उनसे सुना गंगा जी का। सुबह मेरा मन कर रहा था, एक्चुअली मैं सुबह गई थी गंगा जी पे ना, पर फिर मैं मतलब होके नहीं आई, लेकिन अब मुझे लगा कि गंगा जी स्नान करके आना चाहिए, खूब डुबकी लगाई है। पहले तो भयंकर ठंड लग रही है, और ना मैंने आज बनाया था हलवा, दिया खाएगी पीछे से, क्योंकि हम तो जा रहे हैं बाबा जी के साथ, और व्रत भी है, आलू की सब्जी और पनीर की सब्जी भी थी, पनीर की सब्जी, ये पनीर की सब्जी है। जब भी मेरे बाल सफ़ेद होते हैं मेरी सहेली को चिंता हो जाती है, कह रही है तू अपने बाल कलर कर ले, मैं आप तो नहीं करूँगी मैं, चलो वो तो गंगा जी में स्नान किया था पर शैम्पू नहीं करूँगी, मैंने कल किया था, तो कह रही है इनको छुपा के चलियो। मेरा ना मन नहीं करता सच में कलर करने का, मन नहीं करता जब से ये कलर किया ना, तो आंखों पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ गया इसका, आता है पड़ता है कलर करने का, क्या दिखाना है अपने सफ़ेद जो बाल है दिखाओ। दिया को गेरू लेने के लिए भेजा है, वो आएगी तो अपने यहाँ पे देव बना के जाऊँगी, आगे फिर पूजा करूँगी। आज से हमारी नॉर्थ इंडिया में शादियाँ शुरू हो जाती हैं, इस कहते हैं कि कोई काशी के पास करता है ना, हमारी मम्मी कहती थी हम नहीं करते थे तब, तो कह रही साल में 2 बार वाली कर लिया करो, एक आंवले और एक ये, ठीक है इससे ना बच्चों को, आपके बच्चों को पता रहता है कि हमारी मम्मी कुछ कर रही है, अगर हम ही कुछ नहीं करेंगे तो वो ही कुछ नहीं करेंगे, तो हम इसलिए करते रहते हैं। तो और उनसे सामान मंगवाते हैं, उनके सामने अब देव बनाऊंगी तो उनको कम से कम दिखेगा तो सही कि क्या कर रही हैं, क्या होता था क्या नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे गेरू मिला है, अब ये भीगने में टाइम लगेगा, तो दिया बनाएगी बाद में देव, और यहाँ पे बनाएगी आके पूजा कर दो, लड़कियों को पैसे मिलते हैं ना, तो इसलिए दिया करेगी ये काम। बनते भी शाम को है ना, 4 बजे के करीब, हम तो 10-10, 50-50 रुपए में खुश हो जाते थे, 500 लेगी उसमें, 10-50 हाँ। तो यहाँ पे मैं देव बना रही हूँ, मम्मी ने मेरे को बोला था कि वो शाम को आगे कर देंगे, मैं इतने बना के बना देती हूँ, मैं भी पहली बार बना रही हूँ ये, मम्मी को क्योंकि आते नहीं थे,
मम्मी ने बनाए नहीं थे क्योंकि उससे पहले माजी वगैरह माजी और दीदी बनाते थे। तो मैं ना अभी आई हूँ 7:30 बजे और मैं देख के हैरान रह गई, दिया ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे देव बना रखे हैं। मतलब कोई बात नहीं, बच्ची है पर फिर भी देख देख के जो बना दिए। तुलसी जी को भी आज नई साड़ी बाबा जी ने दी थी। एक्चुअली उनका मैंने बताया था ना कि साड़ियाँ क्या कहते हैं जुलाहा नाम से साड़ी की वो है, तो कल हमें साड़ी भी मिली थी और आज तुलसी जी को वो भी बना देती हूँ। मेरे को थोड़ा सा शगुन करना होगा क्योंकि ना एक चुन्नी बाद में लानी पड़ेगी। ये तो बेसिकली ना ये सब होता है कि सर्दियाँ आने लगती हैं तो तुलसी जी हो जाती हैं, कहते हैं ना कि पाला पर पाला लग जाता है, तो उसी उसी तरीके से हमारे पूरे रिचुअल्स बनाए गए हैं कि इनको कपड़ा के सुबह सुबह जो पाला पड़ता है वो इन पे लग जाता, वो इनको वो कर देता है, खराब कर देता है। ये 500 रुपए की बात हुई थी, आप लोगों के सामने प्रूफ है ये। अब ये 21 रुपए दे दिए मेरे को, 21 रुपए में रख के गई थी। मेरे को चाहिए 500 रुपए। हमारे यहाँ ना ये आज से बहुत सारी शादियाँ मैंने पहले बताई थी कि कोई 11 बोलता है, कोई देव उठने का अच्छी बोलता है, कोई 11 बोलता है। यहाँ पे 11 बोलते हैं, 11 11 का प्रोग्राम है। वो प्रीति ने वीडियो शेयर किया हुआ है, वो उसने शूट किया हुआ था शत्रुघ्न घाट का, तो मैं वो वीडियो इसमें डाल दूंगी लेके कि यहाँ पे कैसे मनाते हैं। और हमारे यहाँ पे देव उठाते हैं, यहाँ से शादियाँ उठ जाती हैं। मानते हैं कि देव नहीं उठते तो शादियाँ मतलब नहीं होती, क्योंकि ये मान्यता है। तो हम उठाते हैं देव, उठाओ देव उठाओ देव ये है मन वो भी तेरे देव, उठो देव उठाओ देव ये है तनु दिया रिया टिया वेदित आदि वंश तेरे देव। सारे बच्चों के नाम ले देते हैं, ओले ओले हरियाणा ये राज करे वो भी मोनू तेरी भाभी। अपनी बात कर रही है, राज करे। एक तो मेरे को वो याद आता है, इसमें है समझ गई, भाभी ने राज करे। हाँ है, भाभी राज करती है। ये अपना भातों का वो ले रही है कर रही तो है। देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल वहाँ से आई, आज सोच रही थी अच्छी वॉक करके आऊँगी, वो दिया कि स्कूल बस नहीं आई है, अब उसको छोड़ना पड़ेगा, उसका पेपर है 7:50 पे पेपर है और 7:20-7:25 हो गए अभी तक बस नहीं आई। बच गई, बस आ गई। नहीं तो लेके जाना पड़ा, मैं उसको बोल रही थी आओ, वो खो देती है, पेशेंट खो देती है, नहीं आप छोड़ के आओ। मैंने कहा इतने में आऊँगी, तैयार हूँ, जूते पहन रही थी ना, गाड़ी निकालने में समय लगता है, और मैं कहा इतने में तेरी बस आ जाएगी, और वही हुआ है। ये वाले पहले गैस वाले रुख कितने दिखाई देते थे हमारे टाइम में ना, जब हम छोटे बच्चे थे, आजकल तो दिखाई नहीं देते हैं ये सब। पहले जब देखो जब हर दूसरे तीसरे दिन उड़ते रहते थे। कल उपवास था ना, व्रत था, तो हल्का लग रहा है, मतलब बॉडी ना बहुत हल्की लग रही है। मैं जाकर इधर जाती हूँ, इधर जाऊँगी आज खारा स्रोत की तरफ। खारा स्रोत तो साइड साथ में चल रहा है, लेकिन जो जंगल है ना, मैं कई बार होके आती हूँ। कल जब पीछे बैराज रोड से जा रहे थे, ओहो, तो जो प्रकृति के जो दृश्य देख के ना जो आनंद मिल रहा था, सच में प्रकृति तो है, हम तभी तो हमें अच्छा लगता है, हमारी शरीर जो पंच तत्वों से बना है, तभी हमें प्रकृति के साथ निध्य में जाके ना जल के पास, मतलब कोई भी झरना हो नदी हो पानी के पास जाके अच्छा लगता है। और पेड़ पौधों को देख के, हालांकि देखिए यहाँ पे जब से ये ठेका खुला है ना, अब मैं तो देसी स्टाइल में बोलती हूँ, देखो क्या हालत ख़राब कर दी है ये पेड़ों पे। जैसे दिल्ली में पेड़ रहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी चढ़ी रहती है, ऐसे रहने लगे हैं यहाँ पे। अब जो बड़ी बड़ी बस हमारे यहाँ पे आती है ना,
उधर जो जाती थी उनका टैक्स स्टैंड यहाँ कर दिया, और उधर छोटी गाड़ियों के लिए है तो वो बेटर है। मुझे याद है फर्स्ट लॉकडाउन में, पहले वाले में, जब सब कुछ बंद हो गया था तो यहाँ के लोग ना, हम भी, पता चला हमें कि वो लोगों ने उस महीने वॉक बंद नहीं की, पर बताया नहीं, क्योंकि फिर सभी लोग पहुँच जाते, फिर पुलिस वाले पीछे पीछे पहुँच जाते थे, तो ये जो खारा स्रोत है जंगलों में घुस गए थे वॉक करने के लिए और खूब वॉक किया। उस टाइम बंद नहीं हुए और खूब वॉक करते रहे, अपने स्ट्रेंथनिंग वो करते रहे। सेकंड में फिर वो ओवर वो हो गए थे कॉन्फिडेंस के, फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में क्या होगा। जितने भी रास्ते थे ना यहाँ पे, शायद पाथों का वीडियो बनाया था, और एक वीडियो नहीं बना पाए थे उस टाइम, शर्मा जी कैमरा लेके नहीं गए थे, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ था कि लाना चाहिए था कैमरा, पर वो बोले छोड़ पहली बार, नहीं तो वो बोलते थे जहाँ जाते कैमरा लेके जा। वो जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी कोई सब जाना बंद हो गए हैं। गंगा जिप लाइन एडवेंचर, पर यहाँ पे जिप लाइन बहुत कॉस्टली है। कितने महीनों बाद आ रही हूँ मैं इस रोड पे, अब सारा जल भी ख़त्म हो गया, पहले बारिश के टाइम पे शायद आई थी, देखो पानी कितना भर के आया होगा। तो ये पूरी वो बना दी थी रोड, कोई भाई साहब खड़े हैं, कोई ट्रक भी खड़ा है एक, शायद देखना पड़ेगा सेफ्टी के इशू से। जो गुजर सरकार ने बसाए हैं ना, उनको नहीं हटाती है वो, जिन्होंने अतिक्रमण किया है। मजारे बना ली थी और अतिक्रमण बढ़ गया था, उनको हटाया गया है। ये सरकार जंगल में जो है, वन गुजर, कुछ गुजर जो होते हैं वो सरकार के बसाए हुए हैं, उनमें से ये भी एक है। ये देखो यहाँ से अगर कोई मिल गया तो, पहले मेरे साथ काफ़ी कोई आते हैं ना ट्रैक पे, उनके साथ जाने में तो कोई बुराई नहीं है, चले जाते हैं अकेले, लेकिन अकेले जाने में तो डेंस फॉरेस्ट है वो, ऊपर जाने में, नीचे तक घूम लो, नीचे भी पानी पीने आते हैं जानवर। पानी ने रास्ता बदल दिया अपना, अब इधर से आ गया, देखो प्रकृति है, मैं बोलती हूँ ना कि कुछ परमानेंट नहीं है। पहले ये वहाँ से जाके या तो दब जाता था अंदर, मतलब आता नहीं था, और आते थे तो फिर इधर से आता था ऐसे। हमारा सबसे पहला वीडियो यही का था, और ये हर साल रोड बनती है, बनाते हैं बेचारे अपने, क्योंकि यहाँ रहते हैं ना, हर साल नेचर इसको बिगाड़ के जाती है। ये ना पेड़ों की छटाई करने जाते हैं ऊपर की तरफ ना, तभी पेड़ बढ़ते हैं, इनको इसीलिए गवर्नमेंट मना नहीं करती। तो पूछती हूँ इस टाइम कटिंग करने के लिए कोई गया हुआ है, और कोई गया होगा तो वहीं से भद्रकाली की तरफ निकल जाऊँगी। मैंने पहचान लिया है ना। ले ये दो बहादुर बच्चे आ गए हैं, ये रोज जाते हैं, रोज जाते हो तुम यहाँ से, तुम तो निकल जाते हो भद्रकाली पे। हाँ, निकल जाते हैं। है ना, आंटी को डर लग रहा है, अब बहुत दिन हो गए ना, ये दिन में इधर ही रहते होंगे ना, बाघ पानी पीने के लिए इधर आते हैं, क्रॉस वहीं से करते हैं वो। चैनल सर्च कर लूँ? ठीक है, लो मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। अब ये कभी कभी मेरे को ऊपर भी ले जाया करेगा, हैं, तुम्हारे लिए चीज लाया करूँगी। और क्या, क्योंकि ये जाते हैं, इनको डर नहीं लगता। दो, वैसे भी दो जाते हो ना, ये तो बहुत कट गया बेटा रोड, है ना, पानी बहुत आया, कितना चौड़ा था, नदी पर गई थी ना, अब की बार बहुत बारिश थी। तुमने लेपर्ड देखा है, कितनी बार देखा है? क्या बाघ? बाघ तो हमने बहुत बार देखा, हमारे कुत्ते के साथ लड़ाई हुई थी। हाँ, वो तो मार दिया था ना। हाँ, तब मार दिया था, मुझे पता था वो, तब मैं आई थी उस टाइम। जब हम थे तो इसमें हाथी बहुत पहले सुने थे, अब ये बच्चे बता रहे हैं फिर से आ गए हैं, लेकिन अभी दूसरी साइड गए हुए हैं। ये देखो, ये होता है इस उम्र में बच्चे, लेकिन ये जब हम आते थे एकदम साफ रास्ता था। ये जो लास्ट का पॉइंट है ना, वैसे इतना पता नहीं चला, क्योंकि आदत तो है भी है ना, और बड़े बड़े ग्लेशियर वो ट्रैक किए हुए हैं, लेकिन सच में जान मार लेता है।
बंदर बैठा है। हे भगवान, कितने दिनों बाद आई हूँ, अच्छा लग रहा है। पता है नीलकंठ रोड पे भी जाती हूँ, लेकिन वो रोड बहुत बड़ा है तो इसीलिए वहाँ पे दिखता है और डर ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये जंगल के बीचों बीच है ना, कब कौन सा जानवर निकल के प्रकट हो जाए है ना, तो इसीलिए आवाज़ करते हुए चलना चाहिए ताकि वो भाग जाए, पहले ही भाग जाए। और ये नहीं है कि मैं इन बच्चों को अपने लिए लेके आई हूँ, ये जंगल में जाते हैं, ये अपनी बकरियाँ चलाने चढ़ाने जाते हैं, तो और डेंस जंगल में जाते होंगे बेटे। हाँ, हम तो बहुत ऊपर ऊपर तक। ये नया रास्ता बनाया क्या? हाँ। तो इधर से यहीं से चले। आप सबने खूब देखा होगा ये जंगल, मैंने कितनी बार दिखाया है, और आप देखो इन बच्चों के वजह से मैं इधर आ गई। यही रास्ता है ना? हाँ, ये पेड़ टूटा हुआ था, यहाँ तक तो मैं आई हूँ। और वो हाँ पता है बेटा, यहाँ पे हाथी ने तोड़ा हुआ था। ये तोड़ा था। हाँ, गोबर की वो गोबर भी पड़ा था तो मैं भाग गई थी उस टाइम। आज मैं ना जब गाड़ी के लिए आ रही थी तो मैंने पैसे रखे थे, अब देखो वो इनको उसके लिए रखे थे। हाँ ये था ना, यहीं से मैं भाग गई थी एक बार। एक तो सैफ अली है, एक हैदर अली है, हैं ये सैफ अली खान है ठीक है। अब जब भी बुलाऊंगी अब बेटे चले जाओ बेशक से। ये देखिए रे, इसी को देख के और वहाँ देख कर ना, और मैं भाग गई थी तब। थैंक यू, बाय बेटा। मेरा ना इतना मन करता था यहाँ पे, और सिर्फ देखो अकेले बच्चे ये भी नहीं जाते हैं, दो दो तीन तीन के उसमें जाते हैं, पर जो फीलिंग आ रही है ना आज सच में ऐसे मन कर रहा था बैठ जाऊँ। उससे आगे भी जा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अब हाथी आ रहे हैं। देखो हाथी की ये पुरानी पोटी है जो अभी भी पड़ी है, और वो कह रहे हैं अभी 15-20 दिन के लिए नीचे चले गए हैं, तो 15-20 दिन के लिए जाना तो फिर भी ठीक रहता है, सामने ना मिल जाए महाराज कहीं। ये हाथी की पोटी है, ये पहले नहीं थी जब पहले आई थी। ये देखो इस रोड पे तो नीलकंठ रोड से भी ज़्यादा पोटी है। ये देखो इनको टाइम पता रहता है ना, तो इसीलिए अकेले आना अभी सेफ नहीं है यहाँ। मतलब अभी 15 दिन के लिए तो बता रहे ठीक है, लेकिन उसके बाद सेफ नहीं है, कोई ना कोई साथ होना चाहिए। पता चले मैं नीलकंठ रोड पे ढूंढ रही हूँ और मेरे सामने यही प्रकट हो गए हाथी। कल रात को ना मैं लेटी हुई दिए गाने सुन रही थी, कई बार रिलैक्स मूड होता है अंदर, भगवान नाम तो जाप तो चलता रहता है, पर भजन गाने सुनने का भी मन करता है, पुराने सॉन्ग या कैसे ही। मैं आँख बंद करके लेट गई, मेरा दिल पहाड़ों में खोके दिया। बोली क्या कर रही हो? मन का बेटा अभी जा नहीं रही हूँ, तो एंटर ले मन को अंदर ले जाके, और वो फीलिंग वो कर रही हूँ, ले रही हूँ कि हाँ मैं पहाड़ों पे घूम रही हूँ। लो भैया पहुँच गए हम। भैया थोड़ी देर झूले का आनंद भी लिया जाए, आज नॉनस्टॉप अच्छी, मुझे लगा था कि शायद नींद भी बहुत अच्छी आई। कई बार शरीर को ना कम खाने की ज़रूरत होती है, और दोनों बच्चों ने बेचारों ने मेरी निस्वार्थ सेवा की थी, उनको क्या पता था कि आंटी कुछ दे देंगी, लेकिन बच्चे अच्छे होते हैं सच में मन के। देखो इनको भी लाइन पसंद है, लाइन में चल रही हैं। ये देखिए एक आधी कोई भटक जाती है फिर लाइन से आ जाती है। इनसे कीट कीटाणु जानवर इनसे कितना सीखने को मिलता है, शिक्षा देते हैं अगर कोई ध्यान से देखे तो, और नहीं सीखना तो नहीं सीखना। देखिए बिस्कुट खाना है, बिस्कुट खाने हैं, मैं देती हूँ, बिस्कुट लेके देती हूँ। एकदम खाएगा, कुछ ही लगेगा, देखो कुछ ही लगेगा, एकदम खाएगा। तुमको भी चाहिए? वो जरा इसको डरता पड़ा है ना, देखो ना हाथ पाँव है सब घायल है। वो घायल है? क्या हो गया? चोट लग गई? चोट लग गई है? जानवर के क्या? मैंने क्या बोला? डांट क्यों रहा है मुझे? है ले जाएगा, चल खा लो। नहीं ले रही, ये सोच रही है मेरा ले रहा है, ये सोच रहा है मेरे ले रही है। ये खिला देना इनको। हाँ ले आया, कोई बात नहीं, आपके पास आते रहते हैं ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाता मैं सुबह ही। आजकल ना क्या हो रहा है, लेट स्टार्ट हो रहा है यात्रा, पैदल मॉर्निंग वॉक पे ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं। जो जैसा भगवान करे वो अच्छा, एक्सेप्ट कर लो, कभी वापस उसमें आएंगे। पहले मॉर्निंग वॉक से स्टार्टिंग दिखाते थे, मॉर्निंग वॉक पे एंड दिखाते थे।
कल जहाँ वो स्त्रियाँ हैं ना उससे भी आगे जाके बिल्कुल बीच में जाके मैंने स्नान किया था। ओहो एक अलग आनंद की अनुभूति हो गई थी सच में। कल अंदर की यात्रा की थी, आज बाहर की यात्रा की, और दोनों में ही अंदर की यात्रा की तो बाहर की यात्रा का आनंद दुगना हो गया। क्योंकि पता नहीं शरीर में अभी नीलकंठ उस पर गई थी ना तो एक अलग सा वो था, मतलब थकान थी अलग, मतलब ऐसा लग रहा था कि पैरों का सत चला गया है। लेकिन जब ये यात्रा करके आई तो, और फिर ना जो दो वीडियो पहले बने हुए थे उससे छोड़ के ये देवउठनी काची का, क्योंकि कई लोग बोलते हैं क्योंकि कि आपने वो वीडियो डाल दिए तो वो ये वाला वीडियो मैं पहले डाल रही हूँ। हाँ वो मेरे बीमारी वाले वीडियो आएंगे। देखो मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं एकदम सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं करती हूँ कि अभी सोशल मीडिया है क्या होगा। फिर कई भैयाओं को प्रॉब्लम होती है ना कि आप लेट कर देते हो। देखिए एक चीज़ है, अंदर की यात्रा करने के लिए बाहर की यात्रा, शरीर को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। अगर आप चलने के लायक नहीं होंगे, बैठने के लायक नहीं होंगे तो उस अंदर की यात्रा में भी परेशानी आएगी। ठीक है, तो दोनों यात्राएं ज़रूरी है। और बाहर की यात्रा जैसे अंदर की यात्रा में थे आत्मसात करते रहे तो बाहर की यात्रा में भी वो नाम चलते रहना चाहिए, और तभी एक आनंद, अलग आनंद की अनुभूति होती है। सच में अलग आनंद था एक आज। और बच्चों का मैं बता देती हूँ, मेरा लालच था जंगल में जाने का, लेकिन मैंने ऐसे नहीं दिया कि मैं किसी भी ऐसे बच्चे को पकड़ के ले गई भाई सोसाइटी से जिनको जंगल का पता ना हो। वो जंगल में डेली जाते हैं, 2 बजे के करीब जाके ऊपर गुजर डेरा है जहाँ पे पहले हम जाते थे, वहाँ जाके अपनी गाय बकरियों और भेड़ों को चरा के लेके आते हैं। तो लालच मेरा था, लेकिन मैंने लालच में किसी ऐसे इंसान को नहीं लेके गई जिसके बारे में जंगल में रहता ही ना हो। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।